हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, और कल इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट आने वाले हैं। तो इसका जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हम देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। पिछले छः दिनों की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी रेंज में बना है, और ख़ास करके ऊपरी लेवल की अगर बात करें तो बिल्कुल ये जो है 770 रुपये के आसपास अगर देखें तो ये अभी 770 के आसपास जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, मतलब कि उम्मीद से अच्छे आते हैं, अच्छे आने की तो उम्मीद है ही, लेकिन उम्मीद से अच्छे आते हैं मतलब कि बाजार की उम्मीद से अच्छे आते हैं, तो जो है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है यहाँ पर तो फर्दर तेज़ी भी आ सकती है। कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे, साथ ही साथ नीचे में सपोर्ट जोन को भी देखेंगे। तो डेली चार्ट है ये, पहले तो 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि अगर गुरुवार की बात करें तब भी आपको देखें तो यहाँ पर 770 के आसपास का इसने हाई बनाया था, यहाँ पर भी 775 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो ज़्यादा है नहीं अभी, और ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है वेट कर रहा है इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट का। और वीकली चार्ट के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लंबा चार्ट है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल यहाँ पर बनी थी, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, तेज़ी आने की उम्मीद भी यहाँ पर हो सकती है। अब सारा दारो मदार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर है, अगर अच्छे आते हैं और फर्दर तेज़ी आती है। पहले तो अगर देखें तो ये 5 और 9 वीक के जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर अगर ये निकलता है और वहाँ पर टिकने की कोशिश करता है अगर शुक्रवार तक, मतलब कि वीकली चार्ट के ऊपर पूरे हफ्ते की बात करें, तो जो है फर्दर तेज़ी भी आने की इसके अंदर संभावना हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर तेज़ी के अंदर ये जो है बिल्कुल ये कैंडल जो बनी थी, ये जो रेड कलर की कैंडल है यहाँ पर सर्कल बनाया है, बिल्कुल उसकी विपरीत कैंडल यहाँ पर बनी थी, तेज़ी के अंदर ये कैंडल बनी थी, उसके बाद करेक्शन आया था, और अब करेक्शन के अंदर जो है ये कैंडल बनी है। और अगर कुछ क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर अच्छी न्यूज़ आती है, मतलब कि उम्मीद से बेहतर आते हैं और बाजार का भी साथ रहता है, तो वापस से तेज़ी आने की उम्मीद भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जो है रह सकती है। तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहले सपोर्ट देख लेते हैं, अभी 765 रुपये का प्राइस है, यहाँ पर अभी देखें तो ये 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो पहला सपोर्ट अगर देखें, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये 740 रुपये से लेकर 750 का जो जोन है ये एक जो है पहला सपोर्ट इसके लिए बन सकता है। दूसरी सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था, और वो जो ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी जो कैंडल बनी थी उसका भी जो है एक मतलब कि स्टॉप लॉस मतलब कि हो सकता है, मतलब अगर कोई वहाँ पर ट्रेड लेता है तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी की कैंडल की अगर बात करें तो, मतलब अगर इस यहाँ पर जो इसने एक लो बनाया था 680 के आसपास, अगर इसको ये तोड़ता है तो मतलब कि फिर जो है जो करेक्शन है और भी आ सकता है, लेकिन ये लेवल काफ़ी दूर है तो इसकी बात फिलहाल हम नहीं करेंगे। दूसरा सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है वो दिख रहा है 700 रुपये के आसपास, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है ये भी मुझे ऐसा लग रहा है साथ ही साथ। तो ये दोनों ही सपोर्ट जोन को आप देख सकते हैं। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तो ये 780 का जो जोन है राउंड फिगर नंबर अगर देखें तो, जैसे कि यहाँ पर ये 6 दिनों के आसपास इसी लेवल के आसपास ये अभी रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसके पहले भी हमने चर्चा की थी कि 780 से 800 का जो जोन है यहाँ पर पहले जो है एक बल्क लीड या ब्लॉक डील हुई थी, तो यहाँ पर जो है पहले ये सपोर्ट ले रहा था ऐसा अगर पिछले चार्ट की अगर बात करें तो। अब इसको तोड़कर ये नीचे आया है तो अब जो है जाहिर सी बात है पहले जो सपोर्ट था अब वो जो है रेजिस्टेंस अब यहाँ पर ये फेस कर रहा है, तो पहला रेजिस्टेंस एरिया यही है। अगर इसको क्रॉस करता है तब जो है ये 820 रुपये से लेकर 850 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, तो इन दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। और देखने वाली बात है कल भी हम देखेंगे इसके क्वार्टर टू के रिजल्ट कैसे आते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, इसकी एनालिसिस भी करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।